अब तो दमयंत को भी पता चल गया है कि उसके भाई को हकान ने ही मरवाया था, तो क्या अब वो हकान से डाइवोर्स लेगी? और देनिस के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद क्या आसुमन देनिस को लाइक करने लगी है? सो ये सब पता करते हैं एपिसोड नंबर 59 में। एपिसोड की शुरुआत देनिस और दमयंत से होती है जो कि एक दूसरे से बात करते रहते हैं। दमयंत बताती है कि बुलुत की कस्टडी फेरित के पास जाने से वो बुलुत को बहुत ही मिस कर रही है। वो दोनों में बुलुत के बारे में बात ही होती रहती है, तभी हकान वहाँ आ जाता है। हकान देनिस से एक ही बात पूछना चाहता है कि उसने कोर्ट में हकान और दमयंत के खिलाफ क्यों गवाही दी। देनिस हकान को साफ साफ बताता है कि वो बुलुत के लिए ही ये सब किया है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि बुलुत खुश रहे और वो फेरित और नादरी के पास बहुत ज्यादा खुश है। ये बोलकर देनिस वहाँ से चला जाता है। देनिस के जाने के बाद हकान और दमयंत एक दूसरे से बात करते रहते हैं और दमयंत हकान को इग्नोर करती रहती है क्योंकि दमयंत को पता चल गया था कि हकान ने ही उसके भाई को मरवाया था। जब दमयंत हकान से ये बात पूछती है तो हकान तो पहले ना करता है, पर कुछ टाइम बाद हकान गुस्सा होकर दमयंत को बता देता है कि उसने उसके भाई को मरवाया। दमयंत ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो काफी हर्ट हो जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि दमयंत हकान से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। दमयंत अब हकान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। यहाँ आसुमन देनिस के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है जो कि पॉपकॉर्न होता है और वो दोनों खाते हुए कुछ बातें करते रहते हैं। देनिस पूछता है कि आखिर फेरित और नाजली कब तक फेक शादी का नाटक करते रहेंगे। आसुमन मजाक में ही कहती है कि भले ये शादी अभी फेक है पर आगे चल के ये शादी रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात सुनकर देनिस वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि ये फेक शादी रियल में कन्वर्ट हो जाए। पर इसमें आसुमन की भी कुछ गलती नहीं है, उसे जैसा लग रहा था उसने वैसा ही कहा। यहाँ पे दमयंत का गुस्सा काफी बढ़ गया था और वो हकान से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। वो अब कैसे भी हकान से दूर जाना चाहती थी क्योंकि वो एक मर्डरर है और उसने उसके भाई का मर्डर किया है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे नाजली दिखाई जाती है। नाजली बैठकर एक डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है तभी वहाँ बुलुत आ जाता है और बुलुत भी नाजली के साथ बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है। कुछ टाइम बाद फेरित भी आके वहाँ बैठ जाता है। अब तीनों साथ में डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं जो कि एक प्रॉपर फैमिली लग रहे थे। डॉक्यूमेंट्री देखते देखते तीनों सो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि बुलुत को उसके मॉम डैड मिल गए हैं और फेरित नाजली और बुलुत तीनों खुश रहते हैं। यहाँ अगले दिन दमयंत हकान को बिना बताए घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन हकान ने घर के सारे डोर लॉक कर दिए थे, इसकी वजह से दमयंत घर से बाहर नहीं जा सकती थी। तो क्या अब दमयंत हकान से दूर जाएगी? लेकिन ये देखकर लगता नहीं कि हकान दमयंत को आसानी से जाने देगा। और क्या आसुमन और देनिस के बीच जो अननोन रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ पाएगी? ये पता करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड्स वीडियो का फ्लो बनाए रखिए और यहाँ पे क्लिक करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।